Good morning students, welcome back to English lecture. Today we are going to see the same chapter, the seven sister, and this is the last part of this chapter. So let's start with it. Tripura jo hai sabse aakhri state hai is chapter ka. Now here we are going to complete our chapter. Hello, I am Tripura, the third smallest state in the country, bordered by Bangladesh to the north, south and west. Ab jo Tripura hai ye teenon taraf se Bangladesh se juda hua, yani uska ek hissa India mein aur teen hisse ki तरफ बांग्लादेश है और ये कंट्री का सबसे छोटा स्टेट है. त्रिपुरा मीन्स थ्री सिटीज. त्रिपुरा ऑल्सो मीन्स नियर वाटर. सम स्कॉलर ऑल्सो बिलीव दैट द लैंड वॉज रूल्ड इन एशियंट टाइम्स बाय अ किंग नेम त्रिपुर फ्रॉम होम बाय नेम एमर्ज्ड. तो क्या मतलब, त्रिपुरा मतलब तीन सिटीज़, यानी इसमें तीन अलग अलग छोटी छोटी सिटीज़ हैं और जो इसका किंग था उसके किंग का नाम भी था त्रिपुर, तो उसी से इसका नाम पड़ा है त्रिपुरा. ठीक है. माई लैंड हैज़ थ्री डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल जोन. अब इसके लैंड में तीन ज्योग्राफिकल जोन है. क्या क्या है? द हिल रेंजेस विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब जो एक हिल रेंजेस है यानी जो पहाड़ है वो नॉर्थ से साउथ तक जाता है. द अनडल्टिंग प्लेट्यू लैंड. अब अनड्यूल्टिंग यानी वन मिनट है, अनड्यूलेटिंग यानी जो कभी नहीं सूखता, यानी हमेशा मतलब ठंडक के वजह से गीला रहता है, तो वैसा प्लेट्यू है इसका लैंड. द लो लेइंग एलुवियल प्लेन्स जो ऊपर नीचे मतलब स्ट्रेट प्लेन्स होते हैं वो. मैनी रिवर नरिश माई लैंड एंड सस्टेन द एक्टिविटी ऑफ माई पीपल. और इसके यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, यानी बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं जो पीपल लोगों को काम आते हैं. चीफ अमंग देम आर द गुमती, द महूरी एंड द फीनी. अब ये तीन रिवर के नाम है. इसमें से ये जो तीन रिवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, गुमती, महूरी एंड फीनी. राइस, कॉटन, जूट, टी, टबैको एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन हेयर. अब यहाँ पे क्या क्या उगता है वो बताया है, चावल, कॉटन, जूट, चाय पत्ती, टबैको एंड ऑयल सॉइड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा उगती है. द कोक बोरोक स्पीकिंग त्रिपुरी पीपल आर द मेजर ग्रुप अमंग द मैनी ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स. मतलब वहाँ के लोग, रहने वाले लोग जो हैं सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, कोक बोरोक का. बंगाली एंड मणिपुरी पीपल हैव को एग्जिस्टेड इन पीसफुली हारमोनी विद द पीपल ऑफ त्रिपुरा फॉर जनरेशंस. तो अब वहाँ पर बांग्लादेश है तो बंगाली लोग और मणिपुरी लोग, ये दोनों लोग है ना त्रिपुरा के साथ अच्छे से रहते हैं, यानी पीसफुली अच्छे से रहते हैं, हारमोनी यानी पीस से. I am rather difficult for you to access because only one major road or national highway connect my land with the rest of the country. मतलब यहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा मतलब difficult हो जाता है because क्योंकि लिए एक ही national highway है जो इसको एक कंट्री से वो करता है, क्या करता है, connect करता है. अगरतला इसमें capital city. अगरतला इसकी क्या है, capital city है. People come to visit me for ecotourism and archaeological tourism. यहाँ पर tourism, ecotourism यानी यहाँ पर नेचर बहुत अच्छा है, आर्कोलॉजिकल टूरिज्म यानी यहाँ पे केव्स और पुराने पुराने विला, हवेली, ये भी बहुत अच्छी अच्छी है, तो इसलिए वहाँ पर टूरिस्ट लोग देखने आते हैं. माई लश टी गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड माई स्पेशल सेटअप इको पार्क आर अ ग्रेट अट्रैक्शन. और फिर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरे हैं जो टी गार्डन्स हैं, यहाँ पे जो चाय पत्ती भी अच्छी बिकती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर मेरे यहाँ पे जंगली जानवरों की सेंचुरीज भी बहुत अच्छी है. इको पार्क यानी नेचुरल पार्क से मेरे यहाँ पे जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. As are the famous rock carving of Deotramutra. अब क्या है, एक Deotramutra है जहाँ पर रॉक क्रेविंग्स है. क्रेविंग्स यानी जो अभी देख रहे हो यहाँ पर ऐसे शेप्स बने, ऐसे ऐसे वो डिज़ाइंस बनी हैं. द नीर महल इज अ गॉर्जियस रेड एंड वाइट वाटर पैलेस एम्प्टी बट शिमरिंग ऑन इट्स ओन आइलैंड इन द लेक ऑफ रुद्रासर, रुद्रसागर. अब जो नीर महल है यानी ये जो है पानी के अंदर एक महल बना है जो बहुत अच्छा रेड और वाइट कलर का है, जो पानी की खूबसूरती और बढ़ाता है, और उसको वहाँ पर कौन से लेक में, वो है रुद्रसागर लेक में वो बना हुआ है. पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ एंड ट्राइब्स पार्टिसिपेट टू स्टेट फेस्टिवल लाइक गारिया, दुर्गा पूजा, बुद्धा पूर्णिमा, कार्ची, पौष संक्रांति, बीजू और क्रिसमस. अब तो यहाँ के लोग हैं वो कौन कौन से फेस्टिवल्स बनाते हैं वो बताया है.
Come and visit me. You will be fascinated by my rich cultural heritage, beautiful palaces, wildlife sanctuaries, historical temples, palaces and museums. अब ये बता रहा है कि आपको क्यों आना चाहिए. आप ये आपको बोल रहा है कि एक बार आके मुझे विजिट करो, मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं. ये सारी चीज़ें बता रहा है. माई फोक डांस विल एंथ्रल यू विथ माई पीपल विल एंड माई पीपल विल वेलकम यू विथ वॉर्म्थ एंड कर्टेसी. कर्टेसी यानी प्यार से और बहुत अच्छे से वॉर्म्थली आपको वेलकम करेंगे. तो ये आपको एक बार बुला रहे हैं कि प्लीज़ मेरे स्टेट में आके विजिट करो. नाउ फॉर द टाइम, नाउ फॉर द होमवर्क, फर्स्ट इज़ गिव द मीनिंग्स ऑफ, यहाँ पे आपको 7 वर्ड्स दिए हैं, इनकी मीनिंग लिखना है. उसके बाद नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको 6 नेम द फॉलोइंग्स दिए हैं वो लिखना है. राइट द एडजेक्टिव फॉर्म, आपको यहाँ पे 4 एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है. बस यही है आपका होमवर्क. थैंक यू.